आफ्टरनून गाइस, अभी आप सोच रहे होंगे फिर से मेकअप। यस, फिर से मेकअप बिकॉज ऑफ रील्स, इंस्टा रील्स। आजकल मुझे थोड़ा शौक सा लग गया बनाने का, तो मेकअप तो करना पड़ता है ना। ये देखिए, अब मैं पी रही हूँ दही की लस्सी। अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख दी थी। सोच रही थी जल्दी से ठंडी हो जाएगी तो पी लूँगी, लेकिन क्या है कि उसमें आइस नहीं जम रही थी, लाइट वाइट नहीं आ रही थी, तो अभी मैं थोड़ी ठंडी होगी तो पी लेती हूँ। आप भी पी लीजिए। आगे एक दो रील और बनाऊंगी तभी कपड़े उतारूंगी। मेरी मम्मी बुला रही है, मैं रुक जाओ मम्मी, पहले मैं ही कपड़े उतार लूँ, सिंपल कपड़े पहन लूंगी तभी मुझे आनंद आएगा, इनमें नहीं आएगा। ये तो पार्टी ड्रेस से देखिए। तो बने रहिए जब तक मेरे ब्लॉग में। गाइस, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरा अभी जो स्पीड है सब्सक्राइबर की बहुत कम हो गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मतलब साथ दीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ पर ही चैनल डिपेंड करता है। बाकी तो फिर ये है कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। गाइस, ये किट्टू मेरे कोको के साथ डांस कर रही है। कोको इससे बड़ा है कोको से छोटी रह गई है। हे भगवान, कोको नाम की चीजें बड़ी होती हैं, लड़कियां छोटी रह गई। चलो, कोको कोको एक आदमी के बराबर है, जेंट्स हाइट है इसकी, वो लेडीज है ना। तो गाना मैं गा दूं? रोमांटिक। रोमांटिक, ओके। रोमांटिक याद नहीं आ रहा, रुक ना। अरे रुक रुक रुक, अभी मत कर, स्टॉप स्टॉप। मैं डांस गाना सोच रही हूँ। गाना क्या? नहीं, बाहों में चल हमसे सनम क्या पर्दा। नहीं, ये नहीं, दूसरा गाती हूँ। जॉन सीना, लाइट हैज गॉन। जॉन सीना, सॉरी, फिर दोबारा करेंगे अब लाइट। गाइज, मेरी रील्स बन चुकी हैं, तीन चार रील्स बना ली हैं। अभी मैं इन्हें रख दे रही हूँ, बाद में सेट करूँगी, क्योंकि अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, 4 बजे भूख लगी है, तो इनको बाद में देखूँगी। अभी मैं जाती हूँ किचन की तरफ। मम्मी भी बार बार कह रही हैं, आ जा, क्या बात है, क्यों नहीं आ रही है। मैंने कहा मम्मी रील्स बना लूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगी। मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, अब आ गई मैं पुराने कपड़ों में। ये ऐसे कपड़ों में, सिंपल कपड़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो चलो आगे खाना वाना खाती हूँ। वैसे तो लस्सी पी लिए, ज़्यादा मन नहीं कर रहा, देखती हूँ अगर वो कहेंगी तो बना दूंगी। दीदी भी आ गई है पैर को डॉक्टर पे दिखा के, तो उनके लिए भी बना दूंगी। किचन में बना रही हूँ पराठे, ये प्लेट मम्मी के लिए, एक दीदी के लिए, एक मेरे लिए। रायता भी बनाया, वो मैं आपको दिखाऊंगी पहले। ये देखिए गाइस, आज चुन्ना की ड्यूटी लग गई है, झाड़ू पे लगाइए लगाइए, साफ लगाइए। नगर पालिका से आपको नौकरी दी जाती है, और शेयर करें, पैसे पैसे भी दिए जाते हैं। आप लगाइए लगाइए, झाड़ू लगाइए, कहीं गंदगी नहीं रहनी चाहिए। वाह वाह, मेरे कमरे में भी आ जाइए, टाइम मिल जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट आज सेवा कर रही है चुन्ना जी। बताइए चुन्ना जी, आप इस सेवा के बारे में, इधर आइए, साफ नहीं आ रहा है। बताओ क्या बोलते, इस सेवा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? झाड़ू दिखाइए अपना। ये सेवा मेरी मर्जी की नहीं है, मुझसे करवाई जाए। जबरदस्त, मेरा इंटरेस्ट नहीं। ये देखिए लंबा सा झाड़ू, ये लगा रही है चुन्ना। झाड़ू गाना गा के काम वाली बना दिया, काम वाली चुन्ना आज बन गई, काम वाली चुन्ना। और हाँ, एक और तो मैं भूल ही गई। ओके ओके, तुमने आज काम बांट लिए हैं, वो काम वाली झाड़ू वाली चुन्ना, ये चाय वाली किट्टू। ओ वाह, आटा परांठे भी बना रही है, क्या बात है। अभी मेरे से ही कह देती, मैं ही बना देती। उसने है। मैं तो बना ही रही थी, जब मम्मी के लिए बनाए, आराम के लिए बनाए, दीदी के लिए बनाए, दो अपने लिए बनाए, तो तुम्हारे लिए ही बना देती। अब तुम्हें तो बहुत टाइम लगेगा इसको बनाने में। वीडियो जल्दी बना, ऐसे ऐसे कर। नहीं बनी, अब जाओ बन। ऐसे ऐसे कर कर, बेल के दिखा दे, फिर मैं जा रही हूँ बस, क्योंकि मैं भाई। ये बन रही है किट्टू की चाय, एक कप लिया ना बच जाए तो, अगर मीठी कम हो तो। बेल दिया,
तो आज दोनों लड़कियों की लग गई है ड्यूटी। और खाने वाला कौन है इस पराठे को? ये बिट्टू। तो बिट्टू तो बहुत देर से थी, वैसे भी तो कह सकती थी मैं बना देती तेरे लिए। पागल लड़की। मैं रील्स बना बना के आई हूँ। हाँ तभी ये झुमके टुमके पहन रखे हैं मैंने। हाँ तो गाइस दोबारा गाना चल जाए इस पे। कौन सा गाना? जालिम तेरी नजर झाड़ू लगा रही है आज। तू हाँ कर, लगाना पड़ेगा तुझको झाड़ू। चुन्ना आज फंस गई, लगा रही है आज झाड़ू। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी चुन्ना, तू है मेरी चुन्ना। चलो मैं जा रहा हूँ खाना खाने। 4 बजे कोई खाना खाता है? मैं खाती हूँ। मेरे गाइस सब इंट्यूशन बहुत सही होते हैं, आपको बता दिया अभी क्या। अरे भगवान गर्मी आ गए अपने चिल्ड से रूम में, खाना भी फैल गया। आज हमारे शायद इन्वर्टर की लाइट काम नहीं कर रही है, नहीं आ रही है, तो मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। एक लाइट ही जल रही है, पता नहीं इन्वर्टर में शायद कुछ हो गया है। 4 बजे खाना खाने वाली लड़की, अरे भगवान बैठ जा। गर्मी और भगवान लाइट नहीं जाए, क्योंकि खाना खा के तो और भी गर्मी लगेगी। गाइस ये आज का सिंपल सा खाना, प्याज आलू बूंदी का पुदीने का रायता, 2 पराठे। तो आप भी सभी खा लो। अभी मम्मी के लिए, दीदी के लिए, भाई के लिए बना के आई, बिट्टू के लिए उसने बोला नहीं, उसके लिए बना दी थी। इस रूम में ना गाइस लाइट कम आ रही है, क्योंकि एक ही लाइट, एक बल्ब जल रहा है, कुछ इन्वर्टर प्रॉब्लम हो गई है। हाँ तो मैं आपको बता रही थी, मेरी इंट्यूशन जो होती है ना, कुछ चीज़ें मुझे पहले से समझ आ जाती हैं। तो किसी के बारे में मैं और किट्टू बात कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है, वो सच में हो गया, बट वो मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए मिलते हैं आगे, बने रहिए तब तक मेरे ब्लॉग में। गाइस 4 बजे कौन खाना खाता है? मैं पागल लड़की खा लेती हूँ। अब ये झुमके तो उतार दिए, गलेगा मेरे से उतरेगा नहीं, इसको तो मैं पीछे से किससे खुलवाऊंगी? किट्टू गुन्नू वगैरह से, उन्हीं से लगवाया था। चलो तो मैं खाना खा लेती हूँ, अभी मिलते हैं आगे। आरती आ गई, नीचे बैठ जाओ। मैं चुन्ना मुझे आरती दे रही है, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, मैं 3 दिन से बहुत परेशान हूँ, पता है क्यों? एक तो मेरा फेस बार बार लाइट का चला जाता है, उससे दुखी हो गई हूँ, और दूसरा मेरा आज सुबह से इन्वर्टर की लाइट मेरे रूम में नहीं आ रही, पूरे घर में आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मूड ऑफ। गाइस ये हो रहा है शाम का टाइम, तो मेरे कमरे में ना एक लाइट आ नहीं रही है, तो थोड़ा कम उजाला है। तो मैंने एक सूट मंगाया था, एसी की लाइट तो आ गई, ये देखिए, अगर आपको देख रही हो तो इसी तो ऑन हो गया मेरा। तो मैंने एक सूट, एक कुर्ता लिया है सेल में से लाइव में, अब देखती हूँ उसका आ गया, मैं देखती हूँ कैसा है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भाई, मैं इसको ओपन करती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह का मैंने प्रिंट मंगाया अपने लिए, ये प्रिंट मुझे काफ़ी दिन से मन था लेने का, ड्रेस में लेने का मन था, पर चलो अभी कुर्ते में मिल गया, बहुत सस्ता भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बट अभी पता चलेगा पहन के कैसा है। वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें ना एक्चुअली मैं ऊपर ही वो लगा हुआ है लाइनिंग, यहाँ पर लाइनिंग नहीं है इसमें, नहीं मैं लाइनिंग नहीं है, इतने ऊपर वाले में लाइनिंग है। अब देखती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा तो रखूँगी, नहीं तो रिटर्न कर दूँगी, पहन के कल डाल के देखूँगी। ये प्रिंट अलग सा है, तो मेरा मन भी था इसको लेने का,
कॉस्टली भी नहीं है, बहुत सस्ता है, गर्मियों के साथ जॉर्जेट का कपड़ा है, देखते हैं कैसा लगेगा। गाइस ये आ गई है गुन्नू अपना खाना लेके, दिन की भरपाई कर रही है रात को। चल खा ले, कोई बात नहीं यार। शाम को पता नहीं गुन्नू, पता नहीं क्या होने लगता, बॉडी पेन होने लगता है। सुबह तो सही था, पता नहीं क्या ऐसे लग रही है, सो जाऊं, नींद आ रही है, देखते हैं क्या करना। यहाँ देखिए मल्लिकाए नागिन चली आ रही है। मिस यूनिवर्स तालिया। मिस्टर घरेलू, ये मिस वर्ल्ड इंडिया मलेशिया फ्रांस।